उत्तर प्रदेश के सिरौली गौसपुर बाराबंकी में 13 अक्टूबर को रोजा मस्जिद के सामने आपत्तिजनक गाना चलाया गया, जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो गईं। मस्जिद पर गाना बजाने के अलावा छत और गुंबद पर रंग फेंका गया तथा मस्जिद परिसर में चप्पल भी फेंकी गई। यह घटना धार्मिक असहिष्णुता को दर्शाती है, धार्मिक भेदभाव को दर्शाती है। इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में देखी जा रही हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा और नाराजगी बढ़ गई है। ऐसे अपमानजनक कृत्यों के बावजूद उचित कार्रवाई न होने से समाज में नफरत बढ़ती जा रही है। सवाल उठता है कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर सख्त कदम क्यों नहीं उठाता। इसी तरह की घटना हाल ही में बहराइच में हुई थी, जहां गोपाल मिश्रा ने मुस्लिम घर पर भगवा झंडा फहराया और परिणाम स्वरूप उसकी हत्या कर दी गई। किसी भी धर्म का यह संदेश नहीं है कि दूसरे धर्म का अपमान किया जाए। गोपाल को भी झंडा नहीं फहराना चाहिए था, लेकिन उसकी हत्या भी अनुचित थी। आज इस घटना पर चर्चा हो रही है, लेकिन जल्द ही लोग इसे भूल जाएंगे और तब तक नई खबरें सामने आ जाएंगी। इस चक्र से निकलने के लिए ठोस समाधान की जरूरत है। सभी धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और नफरत फैलाने वाले कृत्यों पर रोक लगानी होगी। प्रशासन को भी कड़ी कार्रवाई करके समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में भेदभाव पैदा करती हैं, दो समुदायों में नफरत पैदा करती हैं। जिस तरीके से घटना बहराइच में घटी, जहाँ पर मुस्लिम परिवार के छत पर से हरे झंडे को हटा करके वहाँ भगवा झंडे को लहराना एक तरह का अपराध था, उसी के बाद उस पर गोली चलाना, उस शख्स पर गोली चला करके उसकी हत्या कर देना भी एक तरह का अपराध है, एक तरह का दूसरे धर्म को लेकर के अपमान है। इस तरह की घटनाएं समाज में जब तक रहेंगी, जब तक नफरत एक दूसरे में बनी रहेगी।